रफाल विमान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ये विमान भारत आ चुके हैं और आजकल एलएसी पर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इस समय चर्चा इनकी उड़ान की नहीं बल्कि फ्रांसीसी कंपनी की वादा खिलाफी की हो रही है। और इसका खुलासा किया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रफाल विमान बनाने वाली कंपनी ने भारत को धोखा दिया। सौदे के समय जो शर्त स्वीकार की उन्हें अब पूरा नहीं कर रही है फ्रांसीसी कंपनी। रफाल के रवैये से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। जी हाँ, फ्रांस ने रफाल का सौदा करते समय भारत के जिन शर्तों को स्वीकार किया था उसे पूरा करने को अब वो तैयार नहीं दिख रहा है और सरकार भी फ्रांस पर दबाव नहीं बना पा रही है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी को ऑफसेट ऑब्लिगेशन का 30% भारत में खर्च करना होगा, यानी सौदे के 30% रकम भारत में खर्च करनी होगी। इसके लिए DRDO जो कावेरी इंजन का निर्माण कर रहा है उसके लिए फ्रांस की कंपनी द्वारा हाई एंड टेक्नोलॉजी मुहैया करानी थी, लेकिन Dassault एविएशन और MBD ने इस कंटेनमेंट को पूरा करने के लिए अभी तक अपनी रजामंदी नहीं दी है। CAG ने ऑफसेट पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पॉलिसी का ठोस नतीजा नहीं निकला है, सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। CAG के रिपोर्ट संसद में भी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि विदेशी विक्रेताओं ने टेंडर प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऑफसेट प्रतिबद्धताएं की, लेकिन बाद में इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फ्रांस की कंपनी ने सौदे में ईमानदारी नहीं दिखाई तो कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सबसे बड़े सौदे की क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। कैग की नई रिपोर्ट ने स्वीकार किया है कि राफेल के ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को ताक पर रख दिया गया है। पहले मेक इन इंडिया मेक इन फ्रांस हो गया और अब DRDO के टेक ट्रांसफर को किनारे कर दिया गया है और मोदी जी कहेंगे कि सब चंगा सी। सुरजेवाला के बयान के बाद साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। DB Live की रिपोर्ट।